ओके स्टूडेंट, टुडे आई विल टेल यू अबाउट नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, इफ जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। ओके, हियर ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज कॉन्स्टेंट टर्म, राइट। डी, if d means discriminant, if d means b square minus 4ac, discriminant is b square minus 4ac। अब ये d decide करेगा कि roots का nature क्या है, root कैसे होने वाले। First, if d is greater than 0, if d is greater than 0, तो मीन्स होगा टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स, मतलब टू रियल और डिफरेंट रूट होंगे। जैसे x की वैल्यू, सपोज दैट x इक्वल टू, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो टू रूट्स तो होंगे, लेकिन टू रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिफरेंट। मीन्स x की वैल्यू सपोज 5 हो गई और x की वैल्यू -3, लाइक दिस। x की वैल्यू 1/2 या x वैल्यू 1/4, लाइक दिस। तो टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स, ओके। इनका ग्राफ देखा जाए तो इस तरह ग्राफ बनेगा, लाइक दिस। ऐसे बना सकते हैं, तो टू रियल, एक रियल रूट ये और एक रूट ये, तो टू रियल कैसे भी हो सकता है, यहीं पे नहीं जरूरी है, यहीं पे नहीं कटे, जहां भी रूट के अकॉर्डिंग। मैं यहां पे ये शो करना चाह रहा हूं कि टू रियल मतलब एक्स एक्सिस पे डिफाइन हो सकते हैं, टू रियल एंड डिफरेंट, अलग 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 रूट, तो टू रियल एंड डिफरेंट रूट। क्लियर है बात, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, सेकेंड, if d is equal to 0, if d is equal to 0, तो कैसे रूट्स होंगे, टू रियल एंड इक्वल रूट्स, टू रियल एंड इक्वल रूट्स, दो रियल और इक्वल। जैसे आपने देखा होगा x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, ऐसा बहुत बार आया होगा, x इक्वल टू 5 इक्वल टू x इक्वल टू 5, ऐसे बहुत बार आया होगा, x इक्वल टू -1/2, x इक्वल टू -1/2, x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10, मीन्स टू रियल और इक्वल रूट्स होंगे, रियल भी होंगे और इक्वल भी। तो ग्राफिकल कैसे बनेगा, ग्राफ उसका कैसे बन सकता है, लाइक दिस। ये फर्स्ट का ग्राफ, ये सेकेंड का, यहां से इसको टच करे, जैसे सपोज यहां पे एक बार ही टच करेगा ये, तो दोनों रूट्स वहीं पे होंगे, ठीक है। जैसे यहां पे 3 पे टच किया तो x इक्वल टू 3, तो दूसरा x इक्वल टू भी 3, इज दैट क्लियर। थर्ड, इफ d इज स्मॉलर देन 0, d इज स्मॉलर देन 0, अगर d 0 से छोटा है तो कैसे रूट्स होंगे देखते हैं, तो ये होंगे टू नो रियल रूट्स, या डायरेक्ट नो रियल रूट्स लिख दीजिए, नो रियल रूट्स मीन्स इमेजिनरी रूट्स, मतलब हम उसको देख नहीं पाएंगे वो कहां पे है कैसे है, इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह बनेगा इसका ग्राफ, यहां से ऐसे भी निकल सकता है, ऊपर को निकल जाएगा, यहां से नीचे से नीचे जा सकता है ऐसे, ठीक है। इसका मतलब हम उनको चेक नहीं कर पाएंगे कि वो कहां पे है, हम उनको चेक नहीं कर पाएंगे, एक्स एक्स को टच नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक्स एक्स को टच करेंगे तो फिर तो हमें पता लग जाएगा यहां पे, लेकिन वो एक्स एक्स को टच नहीं करेंगे, पता नहीं कहां से निकल जाए वो, नो रियल रूट्स होंगे। तो फिर से रिपीट करते हैं, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, तो टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स, डी इक्वल टू 0, तो टू रियल एंड इक्वल रूट्स, डी इज स्मॉलर देन 0, तो नो रियल रूट्स, इज दैट क्लियर। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स आर इक्वल। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं बेटा, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसको लिख लीजिए आप पहले। रिटर्न ओके। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स आर इक्वल, मीन्स हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है अगर जो इक्वेशन हमें गिवन है उसके रूट्स इक्वल है, जैसे के एक्स x माइनस टू, x माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं इसकी, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी क्या, ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। कंपेयर किससे करेंगे, सबसे पहले कंपेयर करेंगे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से। तो यहां से a की वैल्यू मिल जाएगी मुझे a इक्वल टू के, कंपेयर करने से x स्क्वायर का कोफिशियंट, x स्क्वायर का कोफिशियंट, b इक्वल टू माइनस टू के, x का कोफिशियंट माइनस टू के b, और c इक्वल टू सिक्स कॉन्स्टेंट। गिवन रूट्स आर इक्वल, गिवन रूट्स आर इक्वल, If roots are equal, then b square d equal to 0, d equal to 0 means b square minus 4ac equal to 0. Then what is the value of b? B value is minus 2k square minus 4 into k into c value is 6 equal to 0. Clear na? Now, यहां से ये हो जाएगा बेटा 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24 k इक्वल टू जीरो। यहां से मैं 4k कॉमन लूंगा, 4k कॉमन k माइनस 6 इक्वल टू जीरो, k माइनस 6 इक्वल टू जीरो। नाउ अब क्या देखो, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मैं एक बार दिखा दूं आपको, बहुत से बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वो ऐसे कर देते हैं 4k square is equal to 24k, k से k cancel, 4 6 जा, k की वैल्यू डायरेक्ट 6 लिख देते हैं, ऐसा मत करना बेटा, क्योंकि यहां k में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां ये गलत हो जाएगा इसे, यहां k में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट मींस k की दो वैल्यू आनी चाहिए, k की भी कितनी वैल्यू आनी चाहिए 2। अब वो 2 कैसे आ सकती है, वो इस तरह आएगी, आपको कॉमन लेना पड़ेगा इसमें से, पहले कॉमन ले लेंगे आप 4k, यहां पे बचेगा k माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो फिर रखोगे आप 4k इक्वल टू जीरो, पहले आप इसको जो जीरो रखोगे 4k इक्वल टू जीरो, तो यहां पे k की वैल्यू हो जाएगी जीरो अपॉन फोर, तो k इक्वल टू जीरो, तो पहले k की वैल्यू आ जाएगी जीरो, फर्स्ट वैल्यू ऑफ k इज जीरो। क्लियर बेटा, नो डाउट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट k माइनस सिक्स, k माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी सिक्स, तो यहां से हमारी दो वैल्यू आएगी, क्योंकि टू वैल्यू भी आनी चाहिए, यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना k में, तो k की भी आपको दो वैल्यू मिलनी चाहिए, एक k की वैल्यू हो जाएगी कितनी जीरो, और एक k की वैल्यू हो जाएगी सिक्स। क्लियर है बात, नो प्रॉब्लम। तो आप ध्यान रखना बेटा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इफ A quadratic equation have roots are equal, then find the value of k, p, c, d, कुछ भी हो सकता है, okay? जो भी उसमें given होगा, ज्यादातर k given होता है, then find the value of k इस तरह, तो आपको d equal to 0, d मतलब discriminant, b square minus 4ac equal to 0 रख के वो question attempt करना है। Clear ना? Okay, thank you.